तो वेलकम टू चैनल स्क्रिप्ट फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश T20 ब्लास्ट यानी वाइटालिटी का भाई जो सेकंड सेमीफाइनल मैच के लिए जाएंगे ग्लोचेस्टरशायर वर्सेस सासेक्स के बीच में, तो उसी के बारे में मैच टाइम देख सकते हैं आज शाम 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। यहाँ पर भाई देखो इस मैच के लिए कौन सा 11 खिलाड़ी आपकी इस वाली की टीम में होने चाहिए, कौन से 2 खिलाड़ी को क्या बीसी बनानी चाहिए, कौन ऐसा खिलाड़ी है भाई जिसका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं है लेकिन वो आपके लिए भाई तगड़ा पिक रहेंगे यानी ट्रम्प कार्ड पिक बनेंगे, और कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसका सिलेक्शन तो काफ़ी हाई पर वो इस मैच में सुपर फ्लॉप जाएंगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लीजिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा इस मैच के लिए, ठीक है। बाकी देखो भाई इस मैच में हम कौन सा टीम लेके जाएंगे, बॉलर्स को ज़्यादा लेंगे या फिर बैटर्स को ज़्यादा लेंगे, ठीक है, स्पिनर आपके लिए भाई तगड़ा पिक रहेंगे या फिर फास्ट बॉलर, वो भी आपको भाई क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस आपका एक ही काम है वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। चलिए पहले दोनों टीम का भाई जो स्क्वाड है वो देख लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे हो सकते हैं कुछ बड़े खिलाड़ी ना खेले, तो पहले आपको वो चीज़ देखना चाहिए, है ना, टीम बनाने से पहले। चलिए हम वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वाड देख सकते हो सासेक्स की तरफ से, यहाँ पे देखो हैरिसन और ओपनिंग करते नजर आएंगे डैनियल ह्यूज़ के साथ, दोनों अच्छे फॉर्म में, स्पेशली डैनियल ह्यूज़ तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इस साल T20 ब्लास्ट में, तो आप इनको कैप्टन से भी बना सकते हैं। अभी भाई बैटिंग फ्रेंडली है तो भाई ये आप आपके लिए बहुत तगड़ा पिक रहेंगे डैनियल ह्यूज़ एज एन कैप्टन वाइस कैप्टन। टॉम क्लार्क भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में, इनको भी कैप्टन से बना सकते हैं, लेकिन GL में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग थोड़ा रिस्की पिक रहेंगे। जेम्स कोल्स बहुत अच्छा पिक रहेंगे और सेफ पिक रहेगा भाई कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि आपको कम से कम 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 ओवर लास्ट में बॉलिंग किए थे लेकिन मैक्सिमम चांस से आपको कंप्लीट बॉलिंग करते नजर आएंगे और 2 डाउन पे बैटिंग, और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है भाई इस साल, इस खिलाड़ी ने अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस की है T20 ब्लास्ट में, तो आप इनको डेफिनेटली क्या भी से ट्राई कीजिएगा स्मॉल लीग की टीम में। जॉन सिम्सन यहाँ पे देखो विकेट कीपिंग करेंगे, थोड़ा नीचे बैटिंग करें, फॉर्म उतना खास है नहीं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। टॉम एस्लो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है लेकिन भाई इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, यानी भाई टीम के लिए फिनिशर की रोल अदा करेंगे, जब पहले बैटिंग करेंगे साथ सकते आप पिक कीजिएगा, जब सेकंड बैटिंग तो फिर सीधा सीधा ड्रॉप करके जाइएगा। जैक कार्सन एक अच्छे ऑप्शन में ना है लेकिन ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है, 1 से लेकर 2 बार की बॉलिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कोहली रॉबिनसन बहुत अच्छे बॉलर है भाई, लगातार विकेट लेके जाए, लास्ट मैच में इन्होंने काफ़ी कमाल का बॉलिंग किया था, टाइम ऑन टीम का कप्तान है, और ये भी आपको भाई 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग देकर डेथ में बॉलिंग करते नजर आएंगे, तो आप इनको डेफिनेटली लेके जाइएगा। जब सासेक्स पहले बॉलिंग तो आप इनको भी क्या बेसी ट्राई कर सकते हैं। ब्रेडली कार्ड इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे, लास्ट मैच 2 विकेट लिए थे, फिर देख सकते ओलिवर कार्टर इंपॉर्टेंट पिक नहीं है इस मैच के लिए। बाकी हेनरी भी है, फिर फिन हैंडसन रहेंगे और यहाँ पे रहेंगे लेमन, ठीक है, इनके खेलने का चांस काफ़ी लेस है। सर की तरफ से आप यहाँ पे भाई स्क्वाड देख सकते हैं, माइल्स हेमंड के साथ यहाँ पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट ओपनिंग पर आएंगे, दोनों खिलाड़ी इस साल काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किए, तो आप दोनों को भी लेके जा सकते हैं। जब पहले बैटिंग तो दोनों में से एक तो फ्लॉप जाएंगे, उस हिसाब से आप माइल्स हेमंड को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जेम्स ब्रैसली भाई बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है नहीं, 1 मैच में रन बनाएंगे फिर 2-3 मैच फ्लॉप जाएंगे, तो ऐसे खिलाड़ी को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं 1 डाउन पे, और ओपोनेंट का जो बैटिंग ऑर्डर देखो जॉन सिम्सन विकेट कीपर है, उनका बैटिंग थोड़ा नीचे, तो फिर आप यहाँ पे जेम्स ब्रैडली को पिक कर सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पे आपको कैमरन ब्रैडफोर्ड विकेट की साइड से मिल जाएंगे, तो फिर आपके लिए यही सेफ पिक रहेगा, हालांकि विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ओलिवर प्राइस रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे इस मैच में, जैक टेलर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और देखो ओलिवर प्राइस लास्ट मैच में कंप्लीट बॉलिंग किए थे, तो आप इनको कैबीसी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बेन चार्ल्स और रहेंगे, टॉम प्राइस रहेंगे, टॉम प्राइस एक अच्छे होल्डर है, हालांकि लास्ट मैच उन्होंने ज्यादा बॉलिंग किया नहीं था। मैट टेलर रहेंगे, फिर देखो जॉस शॉ या फिर डेविड पेन का गजब का फॉर्म है इस साल, आप इनको भी कैबीसी ट्राई कर सकते हो जब पहले बॉलिंग करेंगे। टॉमी स्मिथ, ग्रेम वैन बुरेन और यहाँ पे जामान अख्तर के साथ अजीत दिल, ठीक है, अजीत दिल और जामान अख्तर का खेलने का चांस काफ़ी लेस है, ठीक है। हम लोग स्मॉल लीग की टीम बनाते हैं इस मैच के लिए। दोनों टीम का रीसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं भाई, ग्लोचेस्टर से लास्ट के 5 में से 3 मैच जीत के आ रहे हैं, वहीं पर अगर सासेक्स की बात की तो ये भी भाई लास्ट के 5 में से 3 मैच जीत के आ रहे हैं, और अभी पिच रिपोर्ट की बात की जाती है, एज बैस्टन रिंग हम खेले जाएंगे, जहाँ पर आपको हाईली बैटिंग फैली फिर देखने मिलेंगे, और पेसर को भी यहाँ पे भाई मदद मिलते थोड़ा बहुत, ठीक है, स्पेशली भाई देखो इनिशियल ओवर में थोड़ा मदद मिलते, बाकी बैट्समैन के फेवर में टीम बना सकता आप इस मैच के लिए, लेकिन T20 प्लस में काफ़ी विकेट गिरता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, तो जो डेथ में बॉलिंग करेंगे और जो अच्छे खास स्पिनर है उनका जरूर लेके जाइएगा इस मैच के लिए। बाकी देखो लास्ट के 5 T20 मैच में भाई यहाँ पे एवरेज इनिंग देखो 179 का है, तो अंदाजा लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रन बनने वाला है। बाकी यहाँ पर देखो लास्ट के भाई 67 विकेट में से पेसर ने लिए 38 विकेट्स और स्पिनर ने 29 विकेट्स, ठीक है। टीम की लास्ट की 5 साल में हेड टू हेड परफॉर्मेंस देख सकते हैं, टोटल 10 मैच खेले गए, जहाँ पे भाई ग्लोचेस्टर 5 मैच और यहाँ पे सासेक्स ने 5 मैच जीते, यानी दोनों टीम का पल्ला बिल्कुल सेम है, तो आप किसी के भी फेवर में टीम बना सकते इस मैच के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच को जीतने के लिए सासेक्स थोड़ा सा आगे रहेंगे, तो सासेक्स के फेवर में आप टीम बना सकते हैं, लेकिन भाई उतना भी ज़्यादा नहीं, 55-45 मान के जा सकते हैं, ठीक है। दोनों टीम तगड़ा है, दोनों टीम में से कोई भी मैच को विन करके जा सकते हैं। सेक्शन में देखो कैमरन ब्रैडक्रॉफ्ट का सिलेक्शन काफ़ी हाई है और आप इनको लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है इस साल, तो लगातार बैटिंग से रन बना रहे, तो आपके लिए सेफ पिक रहेंगे। बाकी जॉन सिम्सन को आप चाहते बैक कर सकते, ये भी टेक्टा खिलाड़ी है लेकिन रिसेंट फॉर्म कुछ खास है नहीं, तो फिलहाल मैं इनको पिक नहीं करूँगा। ग्रेसली ऑन डाउन में बैटिंग सब विकेटिंग भी करते नजर आएंगे, लेकिन इनका भी फॉर्म कुछ खास है नहीं, तो आप इनको चाहो तो बैक कर सकते, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे अगर भाई ये अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे तो, लेकिन फिलहाल मैं इनको भी अपने टीम में जगह नहीं दे रहा हूँ।
बैटिंग सेक्शन में देखो डैनियल हिल आपके डिफॉल्ट पिक रहेंगे, आपने को ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर देखोगे अभी माइल्स सेवन ये भी अच्छे परफॉर्मेंस किए थे इस साल, ठीक है। लेकिन भाई ये टोटली मिस एंड हिट टाइप फील्डर है, आप चाहो इनको ड्रॉप करके भी जा सकते इस मैच के लिए, ठीक है। फिलहाल मैंने काफी जगह नहीं दे रहा हूँ। क्लार्क और रहेंगे बेंजामिन और, ठीक है, बेंजामिन और ओपनिंग पर आएंगे, टॉम क्लार्क ऑन राउंड पर आएंगे, दोनों का सिलेक्शन नहीं है और ये दोनों आपके लिए काफी बढ़िया डिफेंसर भी बन सकते हैं इस मैच में, ठीक है। बाकी टॉमस मोस्ट प्रॉबली फोर राउंड में बैटिंग करेंगे, तो फिलहाल मैं इनको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं अपनी टीम में फिलहाल दोस्तों टॉम क्लार्क को जगह दे रहा हूँ और ये बेंजामिन और को भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर जेम्स कोल्स आपके डिफॉल्ट पिक रहेंगे, ऑलिवर प्राइस आपके डिफॉल्ट पिक रहेंगे, बी वेस्टर भाई देखो स्क्वाड में नहीं है, अगर होता तो मैं इनको डेफिनेटली पिक कर लेते। नेथन मैकंट्रो भी नहीं है, डैनियल लैम ए भी स्क्वाड में नहीं है, टॉम प्राइस इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लेकिन लास्ट मैच इन्होंने ज्यादा बॉलिंग किया नहीं था, फिलहाल मैं इनको पिक नहीं कर रहा हूँ। और नीचे यहाँ पे कोई भी खास ऑप्शन है नहीं। बॉलिंग सेक्शन में देखो यहाँ पर टाइम और मिल्स देखो डेविड पेन दोनों आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे, दोनों में से किसी को भी ड्रॉप मत कीजिएगा। फिर देखो कि यहाँ पर भाई ओलिंसन और मिस्टर मस्टर पिक रहेंगे, इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। ब्रैडली कारिक मैं डेफिनेटली पिक करूँगा और मैं यहाँ पर एक और खिलाड़ी को पिक करूँगा जिसका नाम है मैट टेलर। आप मैट टेलर की जगह यहाँ पर भाई जेस सॉफी पिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो प्राचार का सिलेक्शन तो ठीक ठाक है लेकिन स्क्वाड में है नहीं, तो फिलहाल आप इनको पिक करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। नीचे और भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो देखो टॉमी स्मिथ और एक मिलेंगे जे कार्सन। जे कार्सन का बॉलिंग करने का चांस थोड़ा कम है, आप एक तरीके दो बार की बॉलिंग देंगे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो टॉमी स्मिथ एक बहुत अच्छा बॉलर है, आप इनको लेकर जा सकते हैं इस मैच में। फिलहाल मैंने अपनी टीम में जगह दी हूँ यहाँ पे भाई एम टेलर को, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बात की जाए तो देखो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि बैटिंग करने पीछे तो आप डैनियल हिल को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी टीम में कैप्टन से जेम्स कोल को दिया हूँ क्योंकि भाई आपको टू राउंड बैटिंग देंगे प्लस तीन से लेकर चार की बॉलिंग और काफ़ी कमाल का फॉर्म में है, बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट से आग लगा रखे भाई इस साल इस खिलाड़ी ने, तो फिलहाल मैं इनको ही कैप्टन से दूंगा। वाइस कैप्टन से के लिए देखो डैनियल हिल आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। बाकी नीचे जब देखोगे तो भाई डेविड पेन भी बहुत ही तगड़ा पिक रहेंगे वाइस कैप्टन से के लिए। यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन आएंगे टाइम ऑलवेज, ठीक है। अगर ग्लोचेस्टर से पहले बॉलिंग तो आप डेविड पेन को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, जब भाई सासेक्स पहले बॉलिंग तो फिर आप टाइम और मिल्स को वाइस कैप्टन से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दोनों आपने अपनी टीम के लिए बेस्ट बॉलर है, दोनों को ट्राई करके जा सकते हैं। हालांकि एम टेलर ने भी इस साल बहुत अच्छा बॉलिंग किया और यहाँ पे रॉबिनसन भी काफ़ी तगड़ा बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। फिलहाल मैंने अपनी टीम में कैप्टन से यहाँ पे सोच रहा हूँ कि डैनियल ह्यूज या फिर डेविड पेन में से किसको दिया जाए। चलिए फिलहाल मैंने वाइस कैप्टन से अपनी टीम में टाइम और मिल्स को दिया हूँ, ठीक है। देख सकते हो विकेट कीपर सेक्शन में कैमरन ब्रांड क्रॉप को पिक किया हूँ, फिर देखो बैटिंग सेक्शन में डैनियल ह्यूज को जगह दे हूँ, टॉम क्लार्क को और अभी हैरिसन ऑर्ड को पिक किया हूँ। आप चाहो तो हैरिसन ऑर्ड या भी टॉम क्लार्क में से किसी एक को ड्रॉप करके माइल्स सेवन को भी लेकर जा सकते हो जो भी ठीक ठाक पिक रहेंगे, या फिर आप किसी और के साथ भी जा सकते हैं। सेक्शन में देख सकते हो ऑलिवर प्राइस को जगह दे हूँ, फिर देख सकते हो जेम्स कोल को भी पिक किया हूँ। आप चाहो तो ऑलिवर प्राइस को भी वाइस कैप्टन बना सकते, ये भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लास्ट मैच में काफी कमाल का परफॉर्मेंस किए थे। बॉलिंग सेक्शन में डेविड पेन को पिक किया हूँ, फिर देखो टाइमर मिल्स को भी जगह दे हूँ, मैं एम टेलर को पिक किया हूँ, उसके साथ साथ ब्रैडली कारी सर को जगह दिया हूँ, ठीक है। वाइस कैप्टन से के लिए मैंने आपको और भी ऑप्शन बताया, जैसे कि यहाँ पर देखो डैनियल ह्यूज अच्छे पिक रहेंगे, डेविड पेन अच्छे पिक रहेंगे और यहाँ पे ओलिवर प्राइस, इन्हीं में से ट्राई कीजिएगा। फिलहाल मैंने अपनी टीम में वाइस कैप्टन से टाइम और मिल्स को दिया हूँ, लेकिन फाइनल टीम में यहाँ पर ओलिवर प्राइस को भी देखे जा सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल आप इस टीम का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाकी जो भी चेंजेस होंगे वो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो पहले जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक मैच की टीम आप कहीं पर मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर बहुत सारे मैचेस की कवरेज मिलेंगे। और आप अगर स्मॉल खेल के लाखों में नहीं करना चाहते तो बूम मेले में एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसे एप्लीकेशन में ना तो GST लगेंगे ना TDS लगेंगे और दो मिनट में आपको भाई इंस्टॉल विड्रॉ भी मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको बूम मेले में एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे, उसके लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।